हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, क्या सीखेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसी ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन ये थोड़ी अलग ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से ये सिक्स नंबर जो रो है उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए ये डिलीट किया मैंने, तो ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर गया। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसको मैं डार्क कर देता हूं, आपको पता चलता रहेगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जा रहा है। आखिर ऐसा इसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, और इसमें क्या ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए जनरल तरीके से आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए रो का और रो, और यहाँ पे कर दीजिए -5, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब इसको यहाँ से नीचे से ड्रैग करवा लेते हैं इस तरीके से। जब ड्रैग करवाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको भी करवा सकते हैं सेम, लेकिन इसको हम उस तरीके से नहीं करवाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2, और इन दोनों को पकड़ के हम ड्रैग करवाते हैं। दोनों में अंतर देखिएगा, ये हो गया, ये आ गया। अब यहां पर मैं इस वाले रो को डिलीट कर देता हूँ, यहां से गए, यहां से डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो जब जब ये डिलीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ केवल इनेबल फिल हैंडल पर काम हो रहा है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।